we will be proceeding ahead with the discussion. So dimensional variables, dear children, जैसे नाम से clear हो जाता है, ऐसे variables, those must be possessing some set of dimensions beta. So we will be directly saying that dimensional variables are defined as the variables which possess some dimensions beta, because ये dimensional variables हैं. Dimensional variables का मतलब है जिनकी dimensions हैं, which possess beta dimensions and their magnitude या value भी आप कह सकते हो, that varies with it. Their magnitude or their values vary. इसका सबसे अच्छा example और सबसे छोटा rather सबसे आसान example आपका area है. Area, it has got m 0 l 1 t 0. area variable है. अगर आप अपना rectangle का या triangle का dimensions change कर देते हैं, area बदल जाएगा. and साथ ही साथ आप देख सकते हो it has got the dimensional formula also. आप यहाँ पे force भी ले सकते हो बेटा. force is equal to m 1 l 1 t minus 2 बेटा. तो force में आपका again जो force है ये बदलता रहता है. कभी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर देते हो, कभी 100 न्यूटन कर देते हो. एंड एरिया इज एल टू. यस इट इज राइट यू आर. एरिया इज नॉट एल वन. एफ इज एम वन एंड एल वन एंड एल टू. सो ये जो सारी चीजें हैं बेटा, ये सारी चीजें इस फॉर्मेट में, इनका कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है. एंड बेटे साथ ही साथ इनका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बेटे चेंज होता रहता है. सो दीज आर योर बेटे डायमेंशनल वेरिएबल्स. एक हमारे पास होता है बेटा डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स बेटा. आइए उनको भी देखें. डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स बेटा, नाम से हमें थोड़ा इंडिकेशन हो जाता है इनका न्यूमेरिकल वैल्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, but they possess the dimensions beta. So we will say that beta dimensional constants are the constants which have fixed value and possess dimensions beta. तो इनकी डायमेंशंस भी हैं, इनकी बेटे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दिस इज बेटे फर्दर मोर फिक्स्ड. जैसे हम बेटे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें, कैपिटल जी, ये आपका बेटा देखिए फिक्स्ड है इसकी वैल्यू, और साथ ही साथ इसकी डायमेंशंस भी हैं बेटा. तो कैपिटल जी की आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर. यहां से आप मैनेज कर सकते हो, इट विल बी एफ आर स्केयर अपॉन एम एम. अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात. सो जी आपके पास आ जाएगा एम वन एल वन टी माइनस टू फॉर द फोर्स, एल टू फॉर योर स्केयर ऑफ डिस्टेंस, एंड एम टू इन द डिनोमिनेटर, एंड जी दिस इज इक्वल टू बेटे देन एम आपका आ गया बेटा माइनस वन एल थ्री एंड बेटे टी माइनस टू. एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा. एफ इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्केयर, जी इज इक्वल टू एफ आर स्केयर अपॉन एम एम, एफ इज एम वन एल वन टी माइनस टू, आर स्केयर इज एल टू एंड एम टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू. तो इस केस में डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स के केस में बेटा आपके सारे के सारे वो कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे बेटा जिनकी डायमेंशंस हैं.
इसमें आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एच भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप इनको बेटे डिफाइन करने के बाद विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल जस्टिफाई कर सकते हैं बेटा। सो दिस वाज समथिंग रिगार्डिंग योर डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये हमारा रह गया था। एंड साथ ही साथ आपके पास डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। अब बेटे को और छोटी सी चीज है मेरे पास, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। बेटे आइए देखें डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या है। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स बेटे, इसके वेरिएबल्स के नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि किस चीज के बारे में बात कही गई है। डायमेंशन लेस मीन्स विच हैज गॉट नो डायमेंशंस बेटा। वेरिएबल्स मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू बेटे वेरी करता रहता है। तो आप इसमें देख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मैं एग्जांपल पहले दे देता हूँ, डिफाइन बाद में कर देता हूँ। म्यू आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, इसका बेटा रेशो होता है। और आप जानते हैं ये आपका बेटा डायमेंशन लेस है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो बेटे। अब पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और होता है, ग्लास का और, डायमंड का और। आई मीन टू से दैट म्यू फॉर एयर आप जनरली 1.0003 लेते हैं, वैक्यूम के लिए आप 1 लेते हो बेटा। और म्यू फॉर वाटर ये आपके पास 1.33 होता है। म्यू फॉर ग्लास दिस इज 1.5 एंड म्यू फॉर डायमंड यू नो दिस इज 2.4। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग मीडिया के अलग अलग होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज को जब आप स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड को कंपेयर कर लेते हो इट बिकम्स विद ए डायमेंशन लेस। सो नाम इसका जस्टिफाई हो जाता है कि डायमेंशंस नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू वेरी करती जाती है। अब आइए बेटे इसको डिफाइन भी कर लें, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो डायमेंशन लेस वेरिएबल्स बेटे जो हैं, दीज आर डिफाइंड एज द वेरिएबल्स बेटा, वेरिएबल्स विच पोजेस dimensions, dimensions and have varying numerical value, या आप magnitude भी बेटे कह सकते हो। So this is बेटे your dimensionless variables का concept है आपके पास। एक लास्ट हमारे पास बेटे और छोटी सी चीज बची है, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स बेटे क्या होते हैं, आइए इनके बारे में भी बेटे ब्रीफली बात करके देखें। तो ये दो तीन डेफिनेशन हमारी उस टाइम पे अनलकीली रह गई थी बेटा, इनको फिनिश कर लें। आज हम अपना चैप्टर पहला जो है फिनिश कर लेंगे, देन थोड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज के आपको करवा कर मंडे से मैं आपको नया चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूंगा। लेट अस हैव डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स बेटा। बेटे अगेन डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स जो हैं, हमें इनके अगेन बेटे नाम से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। डायमेंशन लेस मीन्स जिनकी डायमेंशन नहीं है, कॉन्स्टेंट्स दैट विल इंडिकेट की जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। बड़ा ही आसान काम है, आपके पास 1 कोई नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1, आप नहीं 1 लेना 9 ले लो, इट इज अगेन कॉन्स्टेंट, कोई डायमेंशन नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। आप ले लीजिए 10 45 डिग्री, इट इज अगेन हैविंग फिक्स्ड वैल्यू बट नो डायमेंशन। नहीं मन करता तो आप ये देख लीजिए कॉस ऑफ 60 डिग्री ले लीजिए, इट हैज गॉट फिक्स्ड वैल्यू। सो इन दिस वे बेटे डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स जो हैं, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स विच डू नॉट
हैव डायमेंशंस बेटा, सो इन दिस मैनर बेटे हम अपने इन डिफरेंट डिफरेंट बेटे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। देन बेटे डियर चिल्ड्रन, एक बड़ा ही छोटा सा कंसेप्ट हमारा और पेंडिंग पड़ा है, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ बेटे डायमेंशनल एनालिसिस। आइए इसको भी ब्रीफली एक बार देख लें कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने ऑलरेडी कर रखा है उसकी ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस बेटे क्या है। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस की बेटे आपने तीन एप्लीकेशंस ऑलरेडी कर रखी हैं। आपने डायमेंशनल एनालिसिस के कंसेप्ट को यूज करके एक्यूरेसी चेक की थी रिलेशनशिप्स की डायमेंशनली। सेकेंडली आपने फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है डायमेंशनली उसको डिराइव किया था। और थर्ड आपने डायमेंशनल एनालिसिस के कंसेप्ट को यूज करके फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी और सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका आपने किया था। लेकिन उस टाइम पे बेटे आपको एक बात इंडिकेट की थी कि जो हमारा ये डायमेंशनल एनालिसिस का बेटे पूरे का पूरा कंसेप्ट है ये हमें कॉन्स्टेंट्स के बारे में नहीं कुछ भी बताता। आप रिलेशनशिप्स डिराइव करते टाइम पे लिखा करते थे कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू के इन टू जिसको आप इक्वेशन नंबर वन लिखा करते थे। सो वी डायरेक्टली कैन से दैट बेटा मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट टेल अस अबाउट द न्यूमेरिकल value of the constant of proportionality जो आपका k आया करता था ये उसके बारे में कुछ नहीं बताता। एंड बेटे सेकेंडली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर f w की बात कर लूं मैं work done की, this is equal to change in the kinetic energy हाफ एम वी स्केयर हाफ एम यू स्केयर। इस रिलेशनशिप को डिराइव करना इन ए सिंगल स्टेप इस डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड से बेटे डिफिकल्ट है। आप ज्यादा से ज्यादा ये डिराइव कर पाओगे और अलग से ये डिराइव कर पाओगे, देन आपको उनको कंबाइन करके क्लब करके कुछ करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि डायरेक्टली आपका वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल बेटा। सो दिस डायमेंशनल एनालिसिस बेटा इज नॉट वेरी हेल्पफुल टू डिराइव सच रिलेशनशिप्स बेटा। ऐसे रिलेशनशिप्स को आप डायमेंशनल एनालिसिस के साथ आराम से नहीं डिराइव कर सकते। ये नहीं मैं कहता कि डिराइव कर ही नहीं सकते, कर सकते हैं, बट हमें थोड़ा और तरीके से सोचना पड़ेगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट। तीसरी बात, आपने बेटे डायमेंशनल एनालिसिस में जब भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज को वर्कआउट किया है आपके पास बेटे दो तीन चीजें मास लेंथ और टाइम, तीन आपकी जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको आपने इन्वॉल्व करवाया है। अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो इनके बिना किसी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डिराइव दैट विद द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। सो आई मीन टू से दैट बेटा इफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स upon more than three variables
या मोर देन थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख लोगे ज्यादा बेटर आ जाएगा, थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिराइव सच रिलेशंस। और बेटी सबसे जरूरी बात यह है कि आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये आपको सिर्फ डायमेंशनली करेक्टनेस के बारे में बताता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, अगर आपने कहा था टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल अपॉन जी और आपका ये डायमेंशनली करेक्ट आ रहा था, आपने चेक किया था डायमेंशनली इसको, अगर मैं लिख दूं टी इज इक्वल टू नाइन पाई रूट एल अपॉन जी तो भी ये करेक्ट आएगा, क्योंकि इस कॉन्स्टेंट का तो डायमेंशंस में कोई इसका जो है सोल्यूशन है ही नहीं है। लेफ्ट साइड की डायमेंशंस राइट साइड की डायमेंशंस के बराबर आ जाएंगी और उससे क्या होगा, आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा बट अदरवाइज करेक्ट नहीं है। अगर आपका मन करता है आप टी इज इक्वल टू हंड्रेड पाई एल अपॉन जी लिख लो तो भी ये करेक्ट दिखाएगा। सो इट विल मीन दैट कि आपका जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनली आपकी रिलेशनशिप की करेक्टनेस के बारे में बताता है, अदरवाइज आपका जो रिलेशनशिप है एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है इसके बारे में ये कुछ नहीं हमें बताता। सो वी कैन से दैट द मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस is limited for checking dimensional accuracy only या correctness only, dimensional correctness only, इसके बिना ये हमें कुछ नहीं बताता बेटे। एक और बेटे बड़ी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है इस टेक्निक में, इस मेथड में, अगर आपका जो फिजिकल रिलेशनशिप है ये किसी एक्सपोनेंशियल पर या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पे डिपेंडेंट होता है देन इट फेल्स बेटा। सो वी कैन से दैट मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज साइलेंट अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस बेटा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका जो रिलेशनशिप है जो आपने डिराइव करना है वो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है then it will not be possible। और एक और छोटी सी बात हम ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपका जो रिलेशनशिप आप डिराइव करना चाहते हैं कहीं पे मास की पावर 1, 2, 3 नेचुरल नंबर ना रहकर कोई और फॉर्मेट में आ जाए then it also will become difficult। और फॉर्मेट का मतलब है आपका एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में पावर आ जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर में आ जाए then it becomes little difficult। सो ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा आपके डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस के, इनको आपने ध्यान में रखना है। वैसे आपने जब डिस्कस किया था बीच में ऑलरेडी आपने इनको डिस्कस कर लिया हुआ है बट सेपरेटली इन टैबुलेटेड फॉर्म वी हैव नॉट डिस्कस, दैट्स व्हाई मैंने इसको बेटे एक बार फिर से आपको सेपरेटली सारे का सारा मेथड की लिमिटेशंस को एक सीरियल वाइज मैनर में आपको बता दिया है। अब बेटे बिफोर वी प्रोसीड विद एनीथिंग अदर मैं 2-3 छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए लेके आया हूँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आप भी सॉल्व करिएगा और बेटे मैं भी सॉल्व करता हूँ, देन वी विल सी मैच कर लेंगे आंसर्स अपने बेटा। बिल्कुल पहला प्रॉब्लम है आपका बेटा सब्ट्रैक्ट 16 प्लस माइनस 0.5 फ्रॉम
इट इज 41 प्लस माइनस 0.1 16 प्लस माइनस 0.05 एंड 41 प्लस माइनस 0.1। आपको इनको बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना, एक मैं करता हूं, आप अगले वाला करना। इसको पुत्र मैं ऐसे समझ सकता हूं, दिस इज माई ए प्लस माइनस डेल्टा ए, राइट, इस चीज को। और इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं, दिस इज माई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब बच्चों, डियर चिल्ड्रन, जब हमने प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स डिस्कस किया था, एट दैट टाइम हमने बात की थी एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप, दैट इज आपका जो डेल्टा एक्स बेटे आया था, आप यहाँ पे करके आ रहे हो एक्स इज इक्वल टू बी, ये वाला था ना आपका प्लस माइनस डेल्टा बी, इसमें से ही उसको माइनस कर रहे हो, ए प्लस माइनस ये कर रहे हो आप असल में। जब आप डेल्टा एक्स निकालोगे, इसको भी थोड़ा लिख ही लो, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, दिस इज एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स आपका बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मैंने आपको रिपीटेडली बोला था एरर्स आर ऑलवेज एडिड अप, आपका चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो बेटा। सो वी विल से दैट आप जब इसको सॉल्व करोगे, इट विल बी बी माइनस ए, ये हो जाएगा, देन प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, या ये आपके पास, मैं उल्टा लिख देता हूँ, इसको ठीक करके लिख देता हूँ, रादर प्लस माइनस डेल्टा बी, ये टर्म पहले आ गई, माइनस प्लस डेल्टा ए, ये चार कॉम्बिनेशंस आपके पास बन जाया करते थे ना, प्लस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए, प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए, माइनस डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए, माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू आपका यही रहेगा। बी में से ए को माइनस करिए, बी आपका 41, ए आपका 16, ये बन गया और 25, ठीक है जी। अब एरर्स को ऐड कर लीजिए, ये एब्सोल्यूट एरर्स को, इट विल बी प्लस माइनस 0.6। सो आपका सब्ट्रैक्शन के बाद रिजल्ट आ गया 25 प्लस माइनस 0.6। बेटा आप चेक करिए, वेरीफाई करिए और मुझे बताइए यू आर गेटिंग द सेम और नॉट बेटा। सो आई कैन सी लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बिगनिंग विद अंजलि, हरनूर, इश्नूर, जैकलीन, ख्याति, मंजोत, मिताली, नमन, देन राघव, रमन, सहजप्रीत, वैभव, दीक्षा, दिलजीत, देवनूर, दिया, गुरसिमरन, हरमन, प्रभदीप कौर, दृष्टि, ऑल द चिल्ड्रन आर प्रेजेंट विद मी एक्सेप्ट वन और टू पुत्र। सो आपका आंसर मैच कर गया है, तो आई होप कि मैच कर गया है जैसे आप बता रहे हो, तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता। आपको एक और छोटा सा प्रॉब्लम दे रहा हूँ, अब आप करेंगे, आई विल बी डायरेक्टली राइटिंग द आंसर टू दैट क्वेश्चन बेटे। लेट्स कंसेंट्रेट बेटा, वी हैव फर्दर, छोटा सा प्रॉब्लम है, बिल्कुल डिफरेंस भी बेस्ड है ये भी आपका। सब्ट्रैक्ट 283 प्लस माइनस 0.1 फ्रॉम 304 प्लस माइनस 0.2 बेटे, सॉरी नहीं, 2 नहीं है, 1 नहीं है यहां पे भी, 0.1। मैं रिपीट करूंगा, 283.4 बेटे, एक मिनट वेट करिएगा, एक मिनट प्लीज बेटे, एक मिनट, 283.4 प्लस माइनस 0.1, 304.3 प्लस माइनस 0.1, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा और आंसर बताइए आप लोग। मैं नहीं करूंगा, अब आप करोगे सॉल्व, आई विल बी जस्ट राइटिंग द आंसर एंड यू विल वेरीफाई वेदर यू हैव परफॉर्म करेक्ट ऑपरेशन और नॉट। यस बेटे, डियर ऑल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, टेकिंग केयर ऑफ योर एरर एनालिसिस बेटे।
आप बोल सकते हैं आप आंसर अपना बेटा जिनका सॉल्व हो गया है, जिस 220.9 प्लस माइनस 2, बिल्कुल ठीक, वेरी करेक्ट बेटा, सहजप्रीत कौर, वेरी नाइस, गुड वे टू टैकल द थिंग्स बेटा, वेरी गुड कैलकुलेशन दादर, अंजलि गुड बेटे गुड, ठीक है, आई होप आप कर लोगे। अब मैं आंसर लिख देता हूँ। हाँ जी रमन, नाइस बेटे नाइस, चलिए मैं कलेक्टिवली अब आंसर ही लिख देता हूँ। दिस इज बेटे योर 20.9 एंड प्लस माइनस 0.2, इसमें कोई और ज्यादा इंपॉर्टेंट या मुश्किल वाली बात नहीं थी, यही पॉइंट नोट करने वाला था दैट एरर्स आर ऑलवेज एडिड अप। ये नहीं है कि अगर आपके जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है तो एरर को भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, इसी बात का आपको ध्यान रखना था बेटा, सो दैट यू हैव केप्ट सच गुड। अब आइए छोटा सा प्रॉब्लम एक और है मेरे पास, दैट इज बेटे लिख लीजिए बेटे, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर। थर्ड प्रॉब्लम इज कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 4, बी रेस टू पावर 1/3 डिवाइडेड बाई सी डी पावर 3/2। मैं इसको दोबारा फिर से लिख देता हूं, जेड इज इक्वल टू ए पावर 4 बी पावर 1/3 सी, जब पावर ना लिखी हो तो 1 ही होती है बेटा, 1 लिख देता हूं मैं, आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एंड 3/2, ये मैं करता हूं, आप देखिए बेटा। फ्रैक्शनल एरर का कंसेप्ट जब हमने बेटे किया था, हमने कहा था डेल्टा जेड अपॉन जेड, इसके कंसर्न में दिस इज इक्वल टू, ये पावर में आ गया 4 डेल्टा ए अपॉन ए, इसका प्लस इसका पावर 1/3 है डेल्टा बी अपॉन बी प्लस, इसी बात का ध्यान रखना था आपने, जब आप इसको शिफ्ट करके न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं तो माइनस नहीं करना, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज एडिड अप। 1 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी बेटे, तो ये आपका फ्रैक्शनल एरर आ जाता है। कई बार बच्चों वो आपको परसेंटेज एरर निकालने को भी कह देते हैं, देन आपने क्या करना है, इसको सारे को ब्रैकेट में डाल के 100 से मल्टीप्लाई कर देना, करके बता देता हूं मैं, 4 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 1/3 डेल्टा बी अपॉन बी डेल्टा सी अपॉन सी 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, ये आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा बेटा जेड में। सो इन दिस वे आप इसको सोच सकते हो, समझ सकते हो और कंप्लीट कर सकते हो। सो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा, आप ऑलरेडी कर चुकी हो। एक छोटा सा मेरे पास और प्रॉब्लम है इसी के साथ रिलेटेड बेटा, आइए इसकी बात करके देखें, आई हैव अ फ्यू मिनट्स विद मी, लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक और, दिस इज अ न्यूमेरिकल नंबर 4, लेट अस कंसेंट्रेट अपॉन दिस प्रॉब्लम, दिस इज फोर्थ वन। ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वेयर स्क्वेयर रूट ऑफ सी इन द डिनोमिनेटर एंड डी एस सच। ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाई दिस इक्वेशन बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन पी गिवन दैट द परसेंटेज एरर इन ए बी सी एंड डी इज इट इज 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली बेटा।
आपको सारी वैल्यूज दी गई हैं, आपको वर्कआउट करना है। आइए देखें, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ये आपका इसमें परसेंटेज एरर आ गया। ए में कितना बन गया, 3 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, एंड इसमें कितना आ गया, प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसमें कितना आ गया, 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, इसमें कितना आ गया, 1 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। अब सिंपली वैल्यूज पुट कर देनी, सो दिस इज योर 3, ये सारा आपको दे रखा है 1%, आ गया 1, प्लस 2, ये सारा आपको 3% दे रखा है, प्लस ये आ गया 1/2, सी में एरर आपको 4% दे रखा है, प्लस ये वाला 1 एज सच, डी में आपको 2% दे रखा है। आइए एडजस्ट कर लें, 3 ones are 3, 2 threes are 6, ये आपका 2 आ गया, प्लस 2 एंड अगेन प्लस 2, 6 plus 2 plus 2, 10 plus 3 13, तो 13% एरर आपका पी में आपको मिल जाएगा बेटा। इस तरीके से आपने बेटा ऐसे जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं इनको बेटा कंप्लीट कर लेना है। अगेन मैं बेटे ब्रीफली सारे स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ, हमें ऐसा करना क्यों पड़ा, बिकॉज आपको परसेंटेज एरर्स दी गई हैं, हमें इस एक्सप्रेशन को परसेंटेज एरर के फॉर्मेट में लिखना है। आप एक स्टेप और ऐड भी कर सकते हो, आप सबसे पहले इसको फ्रैक्शनल एरर की फॉर्म में लिख लो, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो स्टेप बाय स्टेप मैनर में, देन आपके पास फिर तीसरा स्टेप ये बन जाएगा। मैंने वो स्टेप स्किप कर दिया था बिकॉज आपने अभी अभी वो जेड वाला प्रॉब्लम किया था। तो ये चीजें आपको दी गई हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर क्वेश्चन सॉल्व बेटा। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, इसके साथ मैं आपको आगे और नहीं कुछ भी पॉइंट करवा रहा हूँ। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर थ्योरी पार्ट, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको जो है सारे करवा दूं। देन मंडे ऑनवर्ड्स हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड एज यू नो दैट कि हॉलीडेज के बाद आपके एग्जाम्स भी होते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर्ड भी रखना है। सो बिफोर आई एंड अप द मीटिंग, एनी स्टूडेंट हैविंग एनी पॉइंट टू शेयर और एनी आइडिया टू डिस्कस विद अस, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन? ओके बेटे, नाइस, सो थैंक यू ऑल बेटा, दैट्स ऑल फॉर द डे, सो थैंक यू ऑल बेटे।